प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ तोरी। तोरी या मराठी में दोड़के की सब्जी। ये एक हरी सब्जी होती है जो सेहत से भरपूर और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस उसमें होते हैं। इसका स्वाद भले ही लोगों को पसंद ना हो, लेकिन इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर के कई स्वास्थ्य समस्या से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसमें होता है एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, यह एक एंटी बैक्टीरियल जिसमें मैग्नीशियम, मैगनीज, विटामिन ए, बी, सी, आयोडीन जैसे गुण होते हैं। तोरई उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं। तो चलो शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने इस सब्जी को अच्छे से पील कर लिया है और ये देखिए, ये बिल्कुल पील करने के बाद ऐसे लगती है, जिसको मैंने क्यूब शेप में थोड़ा सा काट लिया है। ये देखिए, बिल्कुल क्यूब शेप में काटा है। आपको इसको लंबा रखना है थोड़ा सा, तो आप लंबा रख सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा पानी में भिगा दूंगी ताकि वो काले ना पड़े, और तब तक मैं कर लूँगी हमारे ग्रेवी के मसाले की प्रिपरेशन स्टार्ट। जिसके लिए मैंने लिया है अनियन, टमाटो, गार्लिक एंड जिंजर, जिसको मैं अच्छे से चॉप करके अब मैं इसका बनाऊँगी अच्छा सा प्यूरे। ये देखिए, बन गया है। अब मैं ले लूँगी एक कुकर और उसमें डाल दूँगी घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मैंने एक टेबलस्पून घी लेके अब मैं इसमें डाल दूँगी मैं ये जो पेस्ट बनाया हुआ है वो सारा, और इसे अच्छे से भून लूँगी। जो मेरा स्टोव का गैस का फ्लेम है वो है मीडियम हाई। थोड़ी देर बाद मैं इसका जो फ्लेम है वो लो मीडियम कर दूँगी। तब तक मैं इसको भूनूँगी जब तक इसका घी जो है वो रिलीज़ ना हो जाए साइड पे। ये देखिए, मैं भून रही हूँ इसे लगभग 10 मिनट्स लग ही जाते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा वो घी रिलीज़ होने लग गया है। अब इस वक्त मैं डाल दूँगी इसमें सारे मसाले। मसाले बहुत बेसिक से है, हल्दी डाल दी है, हींग डाल दिया है, रेड चिली पाउडर और एक स्पून धनिया पाउडर। आप देखेंगे मैंने अभी इसमें गरम मसाला नहीं डाला है। अगर आप इसी में गरम मसाला डाल दोगे तो ये सब्जी ब्लैक बन सकती है, इसलिए मैं मसाला बाद में ऐड करूँगी। अब अच्छे से भूनने के बाद मैंने ये जो तुरिया है जो कट करके रखी हुई है वो डाल दूँगी। ये देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। अब इसका इसमें जो पानी है आपको अपने हिसाब से डालना है। मुझे थोड़ा सा तुरी की सब्ज़ी पतली पसंद है, इसलिए मैं इसमें पानी डालूंगी, लेकिन जैसे ही सब्ज़ी पकेगी इसका अपना पानी रिलीज़ होता है, तो आप पानी थोड़ा सा कम रखना है हमें। आप इससे भी कम रख सकते हैं जितना मैंने रखा। अब मैंने डाल दूँगी सॉल्ट टू टेस्ट और सिर्फ एक विसल दूँगी मैं, और थोड़ी देर इसको लो फ्लेम पर सीमर होने दूँगी। ये देखिए, मेरी विसल और एक थोड़ी देर सिमर होने के बाद ये सब्जी बिल्कुल पक चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला एंड अगेन वन मोस्ट क्विक स्टर आई गिव। ये देखिए, मुझे इतनी पतली है सब्जी पसंद है। साथ में बन रही है गरम गरम फुलके। वाओ, आज का मेरा जो लंच है ना, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी, सात्विक बोल सकते हैं। ये देखिए, मैंने घी भी लगा दिया। अब मैं करूँगी प्लेटिंग। अब मैंने रख दिया है हमारी तूरी की सब्जी, जो बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी और लो कैलोरी है। यह है बटर मिल्क। बटर मिल्क एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है, प्रोबायोटिक से रिच होता है, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो अगर दही या छाछ का उपयोग हमें लंच में करना ही चाहिए। साथ में मैंने रख दिया थोड़ा सा सैलेड, उसमें है बीटरूट, कैरेट एंड अनियंस के लच्छे, एक ग्रीन चिली एंड लेमन। साथ में मैं रख दूंगी एक रोटी एंड दैट्स इट। दोस्तों, मेरा खाना बिल्कुल रेडी है और ये इतना हेल्दी और कह सकते हैं बैलेंस फूड है जिसे हम लंच में ले सकते हैं। अगर आप रात में ले रहे हो तो आप दही या छाछ स्किप कर सकते हैं, और बिल्कुल ये एक हेल्दी सा लंच बनके रेडी है जो मुझे संपूर्ण आहार और न्यूट्रिशन देगा। आई होप आप सबको ये मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद आई हो और ये थाली भी पसंद आई हो। आई हो तो ज़रूर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करना और मुझे बताना कैसे बनी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो।